अभी डाइडोज़ के अंदर है, द डाइडोज़ कैफे ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हितेश को बोल दिया था कि 250 ग्राम्स चिकन रेडी रखे, एंड अभी से दो घंटे बाद जिम का सेशन है, क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था कि राइस मेरे पास ऑलरेडी हैं। सो ये राइस एंड दिस चिकन, दैट्स गोना बी माय प्री वर्कआउट मील। अभी मैंने उसको चिकन ही बोला था तो उसने एक फोक दे दिया है, अभी चम्मच की ज़रूरत है क्योंकि राइस भी है। उसको ये लगा था कि क्या बोलते मैं सिर्फ चिकन खाने वाला हूँ, चम्मच देते हितेश ठीक है। वही रूखा सूखा खाना चलता रहेगा, ये वाला शेड्यूल बहुत अच्छा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा आ रहा है। इन चीज़ों की आदत पड़ गई है, कई लोगों को एक्चुअल में लगता है कि यार ये कैसे खा लेता है, क्यों खा लेता है, बट आदत पड़ चुकी है, इसी में स्वाद मिलता है। दिस इज़ अगेन 250 ग्राम्स ऑफ चिकन, कुछ 100 ग्राम राइस है। राइस का थोड़ा नाप तोल इतना नहीं करता क्योंकि वाला जो बॉल आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी कुछ 100 ग्राम राइस कैरी करने की है। सो यस, इस बॉल को रखेंगे आप साइड में एंड इस मील का, ये वाले मील का लुत्फ़ उठाएंगे। गाइज जस्ट लुक एट द वेदर गाइज, बहुत प्यारा मौसम हो गया है। फाइनली ऐसा लग रहा है मानसून ने हिट कर लिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दो घंटे तीन घंटे बाद दोबारा उमस होनी चालू हो जाएगी, जो ह्यूमिडिटी हम झेल ही रहे हैं इन दिनों। जैसे कि वेदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर रखा है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ समोसे और ब्रेड पकौड़े वाला शॉप। यहाँ पे मैं खुद को खुश नहीं करने वाला, अपने घर वालों को खुशी देने के लिए यहाँ से कुछ समोसे पैक कराने वाला हूँ। तो गाइज ये अभी गरम गरम समोसे निकले हैं। ये वाला बैग लिटरली पुश्तैनी बैग हो चुका है, इसको मैंने पुश्तैनी बैग नाम दे दिया है राइट। इसमें फटाफट से समोसे डालेंगे और निकलेंगे घर, ताकि घर वालों को फटाफट से सरप्राइज दे सके। मैं, मेरे को पता है उनको समोसे पसंद है, बट उनको नहीं पता कि समोसे आने वाले हैं घर में, सो उनको खुशी मिलेगी थोड़ी थोड़ी। सो गाइस, जिस तरीके से मैंने अभी अपने बैग को रिप्रेजेंट करा था कि वो पुश्तैनी बैग है राइट, उसी तरीके से हमारे घर में ये पुश्तैनी कटोरा है राइट। यस गाइस, इन समोसों को पहले अच्छे से क्रश कर देंगे, क्रश करा, इसे चटनी ऐड कर देंगे, वो जो हलवाई वाले भैया ने दी थी मीठी चटनी, जिनके बिना तुम सब लोगों का काम नहीं चलता। मम्मी मम्मी प्रेजेंट ब्रदर, दिस इज समोसा, इंटरनेशनल डिश। इंटरनेशनल डिश और क्या, बाहर से भी आते ना तो यहाँ समोसा प्रोवाइड किया जाता है। समोसा हर कंट्री में बनता है, समोसा नहीं कर, वही तो कहते हैं इंटरनेशनल डिश है, समोसा तो किसे पसंद नहीं है। इंटरनेशनल नेशनल छोड़ने, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खा सकता। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खाओ ना, अभी देखती हूँ। अरे कितनी प्यारी हुआ चल रही है ना, सही बेहतर हो रखा है बाहर, चटनी कम है। अरे तुम लोग तो भिगो भिगो के खाते हो ना, डुबा डुबा के खाते हो तुम लोग तो यार। हरी चटनी के बिना क्या समोसा, ड्राई ड्राई समोसा। बीकानेर हल्दीराम को छोड़ो, जो रीजनल हलवाई होते हैं उनकी बात ही अलग होती है, उन्हें मानते इस बात को। तो उसमें चटनी के संग कॉम्बिनेशन है ना उसका, ब्लैक वेस्ट एक अलग ही शो डालती है राइट। और इट्स टाइम टू गो एंड चेंज, अभी फटाफट से एक वेस्ट खरीदते हैं। हाँ ये वाली दे दो मैम, ये ब्लैक वाली। तो दोस्तों इस वेस्ट की इतनी बुरी हालत भी नहीं हुई है एक्चुअली, मतलब ये काम चलाने के लिए ठीक है, जैसे कभी कभार बारिश होती है और आपके सारे वेस्ट भीगे हुए होते हैं, तो काम चलाने के लिए इसको साइड में रखेंगे। सो दोस्तों कहने के लिए क्या, बंडी है बनियान है राइट, बट हम जिम वालों के लिए ये वाली जो जॉकी होती है, स्पेशली जिनकी अच्छी फिजिक बन चुकी होती है, उनके लिए एक्चुअल में बहुत ही धांसु चीज़ है। अभी इसको फटाफट से पहनूंगा एंड आज है हमारा पुश डे, टुडे इज पुश डे। तो दोस्तों व्हाट्स योर फेवरेट, एनर्जी ड्रिंक या गोलगप्पा? पुचके बन रहे हैं यहाँ पे मस्त, पुचको को थोड़ा इग्नोर करेंगे और एनर्जी ड्रिंक में फोकस करेंगे। तो दोस्तों व्हाट्स योर फेवरेट, एनर्जी ड्रिंक या गोलगप्पा? पुचके बन रहे हैं यहाँ पे मस्त, पुचको को थोड़ा इग्नोर करेंगे और एनर्जी ड्रिंक में फोकस करेंगे। ये हिमांशु का बेटे गाइज, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हिमांशु कभी कभी गेस्ट अपेयरेंस देगा। एक टाइम हिमांशु 66 का हुआ करता था एंड ही एक्चुअली अचीव्ड अ लॉट, गेन्ड अ लॉट। चलो लेट्स गो, टाइम क्या हो रहा है, टाइम बता दीजिए, देख लो गाइस। आप पता नहीं दिखा के देखा बुलेट चमक गई, क्या टाइम? तीन बजे में 10 मिनट गए, अब तो विजिबल होगा आपको।
गाइस यस डाइटोस की किचन से सीधा प्रसारण। मैं यहाँ पे खड़े होकर एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो डेली के डेली जो डाइटोस चलता है, इट्स नॉट अबाउट कि कहीं ना कहीं मैं डाइटोस का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं आपको हर ब्लॉग में ये चीज़ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, एक कंसिस्टेंसी, राइट। प्रोटीन इनटेक को लेके सीरियस होना, राइट, एक डाइट को लेके सीरियस होना। इट्स नॉट अबाउट कि आप चिकन से ही प्रोटीन ले रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि किसी भी सोर्स से, किसी भी वेज या नॉन वेज सोर्स से आप प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, राइट। दिस इज़ एक्चुअली द पाथ। एंड कभी ना कभी, कैसे ना कैसे, अगर मैं कभी अपनी प्राइम फिजिक में आता हूँ, ताकि लोगों को लिटरली ये लगे कि यस, कहीं ना कहीं इसके स्ट्रगल्स, राइट, इसका खाना पीना कैसा था एक टाइम का। और यार एक चीज़ और है, मतलब जिम करे हुए मेरे को 2 घंटे हो चुके हैं, आज पूछ देता तो मैंने अपना वर्कआउट खत्म करा, अभी 2 घंटे हो चुके हैं। जो लोग वे प्रोटीन यूज़ करते हैं वो, यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हो जिम के तुरंत बाद, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर जिम करने के तुरंत बाद आप वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन सोर्स नहीं ले रहे हो तो उसमें यू नो कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा। अभी ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर ऑफिस में 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी लूँगा, उस 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी के बाद ये जो मील मैं यहाँ से अभी ले जाने वाला हूँ वो कंज्यूम करूँगा। सो यस गाइज, अगर आप कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंड करते कि जिम के वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन लेना है, इट इज़ गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं भी लेते और थोड़ा रुक के 2 घंटे बाद या थोड़ा 3 घंटे बाद प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आज मैं करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ से मील लूँगा, उसके बाद अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करूँगा। सो यस, चार घंटे पहले मैंने वर्कआउट ख़त्म करा था, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सो यस, कुछ 2 घंटे का काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, नाउ लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑल राइट गाइस, हमेशा की तरह मैं और मेरी तनहाई, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, राइट, उन वो मेरे से पूछते हैं अक्सर कि चल चल लंच ब्रेक में चल, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा काम पेंडिंग है, राइट, तुम लोग जाओ, मैं बाद में अपना डिनर ब्रेक यूटिलाइज़ करूँगा। सो यस, अभी मैं अपना डिनर ब्रेक यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। इट्स नॉट एक्जैक्टली अ डिनर ब्रेक, इट्स अ शॉर्ट वाला ब्रेक, 15 मिनट वाला जो होता है, सभी को पता है। इट्स अगेन 250 ग्राम्स ऑफ चिकन विद 100 ग्राम्स ऑफ राइस, ये चीज़ मुझे रट चुकी है, इसके कैलोरी काउंट्स भी मुझे पता है, बार बार बोलूँगा तो तुम लोग भी कन्फ्यूज होगे, और आगे से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कैलोरीज वैलरीज में फोकस नहीं करते तो वो वाली बकवास नहीं करेंगे, राइट, जो चीज़ है वो है। मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट, जो मैं अक्सर करता हूँ, ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स में नहीं दिखाया, बट यस, अपने सिपर को रेडी करना, जस्ट बी एंड बी ऑलवेज हाइड्रेटेड गाइस। ये एक ह्यूमन बॉडी की मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी ऑन डेली बेसिस। एंड अभी तो घर में पड़ी रही है तो बहाने मारने की कोई ज़रूरत नहीं तुम लोगों को, ओके, पूरी रात भर काम करना, अच्छा खासा कंपनी को प्रोडक्शन देना, इसमें एक्चुअल में अच्छी खासी वाट लगी जाती है। एंड यस, 9 आवर्स की शिफ्ट होती है यार मेरी, एंड मैं घर आ गया हूँ। तो मैंने 15 मिनट वाले ब्रेक में राइस एंड चिकन लिए थे, एंड आई डोंट नो व्हाई, मील ने मुझे पूरी रात तक फुलफिल रखा। जिस टाइम शिफ्ट हो रही उस टाइम मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हुई। सो यस, अभी मैंने क्या बोलते हैं, अभी मैंने ये अंडे पैक करवाए थे, इट्स अगेन 8 अंडे, इससे मिलेगा कहीं ना कहीं मेरे को 40 ग्राम प्रोटीन इजीली। यार ये मेरी लास्ट मील है, इस मील को खाऊंगा और मैं फटाफट से सो जाऊंगा ताकि मेरी जो स्लीपिंग साइकिल है, राइट, उसमें इम्पैक्ट ना पड़े। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस टू बिल्ड योर मसल, राइट, सोना इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। यस, इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया। आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ गो एंड गिव अ लाइक, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।